morning, good evening, wherever you are in the world. Welcome back to the Nokia Smart Nights web search powered by artistallowed.com. My name is Mihir Joshi, but the man who is performing today needs no introduction. He's given you 100 super hit films, 500 super hit songs, and his 101st film has broken all records in music sales. The movie is called Bodyguard, and his 102nd film is coming up very, very soon. Welcome today to the Damadam web search with a man who needs absolutely no introduction. Here we go. हमको दीवाना नमस्कार, जय माता दी, जय हिंदुस्तान। दोस्तों, पूरे विश्व में शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने परफॉर्म नहीं किया है, और बड़े से बड़े अरीना में, एयर कैनेडा सेंटर, लंदन वेम्बली, एम्स्टरडैम हेनिकन म्यूजिक हॉल, एक बहुत ही शानदार ऑडियंस के साथ, आप लोगों के साथ, ऐसी भीड़ के साथ, वर्ल्ड वाइड न जाने कितने शोज परफॉर्म किए, आप लोगों को एंटरटेन। एक आर्टिस्ट होने के नाते, कलाकार होने के नाते हमेशा दिल में रही कि मेरे शोज पे भी मैं ऑलवेज एक वन टू वन कनेक्शन के साथ परफॉर्म करता था, लेकिन एक वेब कॉन्सर्ट, एक ऐसा कॉन्सर्ट जहां पर मैं वो बातें कर सकूं जो एक कॉन्सर्ट के रूप में, आज मेरे लिए एक कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक म्यूजिक रूम है जहां जैसे प्रोड्यूसर्स आते थे, डायरेक्टर्स आते थे, लोग आते थे, मेरे दोस्त आते थे, मेरे भाई आते थे, उसी तरह आप लोग आज मेरे सामने हो। तो इसे एक स्टेज या एक मंच मत समझिएगा, मेरे लिए ये मेरा म्यूजिक रूम है जहां पर ये सारे गाने बने। आप लोगों ने उस आवाज को सुना, उन गानों को, अभी दो गाने आपने इस तरह से सुने जो जिससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली,
लेकिन जहां से जर्नी शुरू हुई वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने शायद ही किसी के साथ शेयर किया हो, और आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, क्योंकि मेरे दिल से दिल का जो वन टू वन कनेक्शन है वो किसके साथ रहा है, सिर्फ आप लोगों के साथ। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं किसकी वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से। जब सिंह कहा कि पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है, 9 महीने तक कहा कि अब कितना और गाएगा, 1 साल के बाद उन्होंने हार मान के अवार्ड दे दिए सारे। तो आशिक बनाया के लिए सारे अवार्ड्स मैंने लिए, वो भी आप लोगों की दुआ थी। और आज उसके बाद 75 हिट इन अ रो एज अ सिंगर दिए, 500 गाने इतनी छोटी सी करियर में एज अ कंपोजर दे दिए, 100 फिल्में कंप्लीट कर ली, और जब 1.5 साल के गैप के बाद बॉडीगार्ड दी तो आप लोगों के आशीर्वाद से सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं शुक्रगुजार हूं सलमान भाई का, जिसकी वजह से मैं यहां आप लोगों के सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे वो ब्रेक ओडली चुनरिया का भी उन्होंने दिया था, और ये कमबैक वेंचर में बॉडीगार्ड भी। लव यू सलमान भाई। एंड आज आप लोगों के सामने उस जर्नी को दोहराता हूं जब मुझे सलमान भाई ने कहा था कि प्यार किया तो डरना क्या, टाइटल है और गाना बनाना है। प्यार किया तो डरना क्या के लिए गाना बनाना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि मुगले आजम का सुपर हिट गाना बन चुका था। कैसे बना था? और उसके लिए बना और उन्होंने पसंद किया, आप लोगों के सामने आया और मेरी जर्नी एज अ कंपोजर शुरू हुई। और ये वो म्यूजिशियंस हैं मेरे जो फर्स्ट सॉन्ग से लेकर आज तक मेरे साथ रहे हैं, बहुत योगदान है इनका मेरी करियर में। ऊपर वाले के बाद मेरे पिताजी, उनका पता नहीं कितना योगदान है। आप ये यूं समझ लीजिए कि नाम मेरा है, काम उनका है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है। और वो पहला गाना आज मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं जिस तरह म्यूजिक रूम में बना था, बिकॉज कॉन्सर्ट्स आपने बहुत देखे होंगे, समझ लीजिए वेबसर्ट एक म्यूजिक रूम है, एक दिल से दिल का कनेक्शन है, जिस तरह आप लोगों के सामने वो गाना कभी आपने सुना ही नहीं कि बना कैसे था, और मेरी जर्नी हिमेश रेशमिया की आप लोगों के सामने कैसे आई थी। तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, और ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कलाकार दिल से दुआ देता है कि ये देखने वाले सभी दर्शकों की हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो, उनके घर में इतनी इतनी बरकत आए, इतनी खुशियां आए, दुख का कोई साया उन पर ना पड़े, ये कलाकार की दिल से दुआ है, ये पूरी होगी। ओढ़ली सूरत गाना गाया था, एंड सुधाकर जी ने लिखा था, बहुत बहुत पॉपुलर हुआ, और उससे मेरी जर्नी जो शुरू हुई फिल्मों पे फिल्में फिल्में की फिल्में। तो पहला गाना हिट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे लिए ये मेरा वो गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और फिर एक गाना ऐसा आया जिसने चुनरिया की एक्सटेंशन की, लेकिन एक ओल्डली चुनरिया के आगे जाने वाला गाना बना। तेरी चुनरिया पागल हुआ
ऑडिशन के दिन वो म्यूजिक रूम में बैठना, मुझे ऐसा ही लग रहा है मैं अपने म्यूजिक रूम में हूं, आप लोगों के सामने हूं और तलाश कर रहा हूं कि गाना कैसा लगा, ये गाना रिकॉर्ड करना चाहिए, गाना हिट होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो परेशानी, वो डर, वो खुशी, वो जज्बात। और उसके बाद जब वो गाना रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होकर हिट होता है, रिदम के साथ रिकॉर्ड होता है, बड़े बड़े ग्रैंडर के साथ रिकॉर्ड होता है और आप लोगों के सामने आता है, सुपर हिट होता है, तो जो खुशी मेरे डैडी को मुझे हुई थी उसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। एंड मुझे लग रहा है कि अनप्लग्ड तो आप लोगों ने सुन लिया, अब आप लोगों के साथ एक गाना ऐसा होना चाहिए जो आप रिदम के साथ सुने। म्यूजिक रूम में मजा आ रहा है ना, बहुत अलग किस्म का कॉन्सर्ट है ये, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में वो कन्वर्टिंग द स्टेडियम इनटू अ नाइट क्लब तो आपने देखा है, जहां पर हम डांस करते हैं क्राउड के साथ, देखते हैं वो वन टू वन रिएक्शन, वन टू वन कनेक्शन, लेकिन ये वन टू वन कनेक्शन वो उससे भी कहीं आगे है, अपने दिल से दिल का कनेक्शन है, जहां पर आप मेरे सामने मेरे म्यूजिक रूम में बैठे हैं। वो एल्बम जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ओ हुजूर तेरा सुरूर, ओ मैं चाहता था कि एक थीम ऐसी बने जो इस गाने को कनेक्ट करे, तो कई थीम्स बनी, लेकिन वो ओ हुजूर तेरा सुरूर के साथ परफेक्ट जाने वाली थीम वो ये थी, जो आज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जहां भी शोज करता हूं इस थीम से हमारी शुरुआत होती है, वर्ल्ड वाइड जितने भी सुरूर के शोज हुए उन सब का थीम म्यूजिक यही है। So welcome back once again to this incredible website. Himesh ji, आपने हजारों shows किए हैं दुनिया भर में, आज ये आप एक web audience के लिए perform कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये? How is this entire experience जो आपने already create किया है, जहाँ पे सब यहाँ पे जो हमारे viewers हैं आपको देख रहे हैं, आपके music room में आपको देख रहे हैं almost, ये बहुत ही एक different सा experience आप create कर रहे हैं हमारे listeners और viewers के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है मीर जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल जुड़ जाते हैं, एक एहसास होता है, एक 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 फीलिंग आपको भी आ चुकी होगी कि कुछ बहुत अलग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है। और
वो जो शोज की जिस लेवल की एनर्जी होती है वो उस क्राउड के साथ और सारी चीजों के साथ शोर शराबे में वो एक अलग एनर्जी होती है, और उससे एक स्टेप अहेड कहीं ना कहीं वो एहसास जो उसकी रूट्स हैं कि कैसे वो गाना बना, किस तरह बना, और वो गाना क्या ओरिजिनल, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो ओरिजिनल जो देसी घी का मजा है, तो वो आप कहीं ना कहीं इस गाने की जो देसी घी, जो उसका देसी पना है, जो उसका ओरिजिनल रूटेड फॉर्मेट है, वो सुन रहे हैं, जिस तरह वो गाने बने और फिर इतिहास बने। तो कहीं ना कहीं उसी अंदाज में मैं वो गाना सुनाता हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना है ना, डेडिकेटेड टू सलमान भाई, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ये गाना बना। जिस तरह से उनका इनपुट बॉडीगार्ड के म्यूजिक में है, क्रिएटिवली वो इतने ब्लेस्ड हैं, और जिस तरह से वो सरस्वती माता उन पर मेहरबान है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इंटरेक्ट किया है बॉडीगार्ड के म्यूजिक में, और पूरा म्यूजिक की पूरी क्रेडिट मैं उनको देता हूं, बिकॉज ये उनका काम है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने उस क्योंकि मैंने 12 फिल्में की है, 12 की 12 उनके साथ सुपरहिट रही है, और मैं जितना भी कह रहा हूं सिर्फ उनकी शान में जितना कह रहा हूं मान लीजिएगा, सच है ये कि जितना अल्फाज कम है मेरे पास इस उनकी जो इनपुट है इस फिल्म में, बॉडीगार्ड में, म्यूजिक में बताना बहुत मुश्किल है। एंड दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू सलमान भाई, तेरी मेरी प्रेम कहानी, विच इज ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड इन म्यूजिक सेल्स। हिमेश जी, ये गाना आप शुरू करने के पहले हमने इतना इंटरेस्टिंग कर दिया है हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं उनको और बताना चाहूंगा कि 5 सीडीज दमादम की हिमेश जी ने ऑटोग्राफ की है, और आपको विन करने का चांस है। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड इन अ ट्वीट, और अगर आपका ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग रहा तो हम यहाँ पे हिमेश जी को पढ़ के भी बताएंगे। तो सेंड इन अ ट्वीट विद अ हैशटैग ऑफ वेबसर्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द कॉन्सर्ट इज बीइंग सीन लाइव ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, एंड ऑफकोर्स इट इज सीन ऑन योर नोकिया स्मार्टफोन्स एंड ऑन artistallowed.com। हियर इज द नेक्स्ट सॉन्ग। एंड दमादम की बात हुई है तो मैं आप लोगों को अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नो टचिंग नो किसिंग को आप लोगों ने सब स्टेटस वगैरह पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत हिट कर दिया है, क्लब्स में, रेडियोज में, और उसके लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया दमादम के म्यूजिक को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और वो दमादम भी होगा और आओ जी बाओ जी बॉडीगार्ड का भी होगा और उमराव जान भी होगा और मधुशाला भी होगा और झलक भी होगा एंड जरा झूम भी होगा और तेरे नाम भी होगा, लेकिन तेरे नाम से पहले तेरी मेरी प्रेम कहानी, डेडिकेटेड टू सलमान भाई, लव यू ऑल।
गाने में एक और इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, उसका नाम है शब्बीर अहमद। वो बहुत खूबसूरत लिरिक राइटर हैं और उन्होंने बॉडीगार्ड के गाने बहुत खूबसूरत लिखे हैं, और ऐसे कलाकार हैं, ऐसे लिरिक राइटर हैं जो बहुत आगे तक जाएंगे। एंड उन लोग, उनको आपका प्यार बस जरूर देते रहिएगा, जिस तरह से आपने बॉडीगार्ड के संगीत में उनको दिया है। दमादम के भी गाने दो उन्होंने, दो बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे हैं। और आई एम अगेन वेरी हैप्पी फॉर अतुल जी एंड अलवीरा जी दैट बॉडीगार्ड हैज ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड। एंड थैंक यू सलीम अंकल, थैंक यू सलमान खान एंड फैमिली, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक ये शुक्रगुजार मेरा होना बहुत लाजमी है, बहुत बहुत दिल से निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट आप लोगों का रियली मेरी करियर में प्यार किया तो डरना कैसे लेकर अब तक कितना हाथ है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ तेरी मेरी कहानी से जो उसका इंस्पिरेशन था, वो कहीं ना कहीं वो लेजेंडरी गाना था तेरे नाम। गाने बहुत अलग हैं, लेकिन एक खोज होती है एक कंपोजर को कि कैसे वो दोबारा क्रिएट करूं उस लेवल के उस लेवल की लाइकिंग जो बहुत ही यूनिवर्सली अपीलिंग हो। एवरीवन फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लव्स द सॉन्ग विच हैपेंड विद तेरे नाम, विच हैपेंड विद तेरी मेरी कहानी। नैनों से बहते अश्कों की धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में, दुनिया में पल पल तपती है अब तो सांसें तेरी हैं, तेरे लिए तेरे बिना गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम के लिए जब मुझे अवार्ड मिला था तब मेरे दिल से एक बात, मुझे मौका मिला, वो प्लेटफॉर्म मिला कि मैं लोगों को ये बात बता सकूं कि मेरी करियर में आज फिर से एक मौका मिला है। मैं वो मौका चूकना नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपनी मिस्टर भूषण कुमार और कई म्यूजिक कंपनीज, मिस्टर रतन जैन जिन्होंने मुझे हमराज दी, मिस्टर अब्बास मुस्तान, सतीश कौशिक जी, पता नहीं कितने नाम, शायद मैं कुछ नाम इतने नाम लूं क्योंकि मैंने 100 फिल्में कंप्लीट कर ली हैं, तो अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं नाम लेते लेते पूरी शाम बीत जाएगी। उन लोगों का मेरी करियर में बहुत बड़ा हाथ है। एंड जब इंसान एक मकाम पे पहुंचता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि कई लोगों का हाथ होता है, कई लोगों की दुआएं होती हैं और वो ऊपर वाले की कोई ब्लेसिंग्स होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचता है, जहाँ मैं आप लोगों के सामने पहुँच सका, इतनी कम उम्र में 101 फिल्म्स कंप्लीट कर सका, इतनी हिट्स दे सका। तो कई मुझसे और टैलेंटेड लोग होंगे जिन्हें ये मौका ही नहीं मिला होगा, वो बहुत टैलेंटेड होंगे मुझसे। तो वो प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वो गाना सुनाता हूँ जो अगेन मेरे दिल के, मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है।
रहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस यहां साथ है तेरी यार। मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ ये जो दिल बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, पतिया साथ है तेरी याद साथ है। से कई वर्ड्स आते हैं, धम पचक दम धम बम, तो हमारे म्यूजिशियंस जो हैं वो इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं, पता नहीं कितने गानों में गुजारिश करूंगा कि वो ड्यू क्रेडिट, जहां भी एक म्यूजिशियन को आप देखें अच्छा काम करते हुए, जो म्यूजिशियंस होता है उनका भी बहुत योगदान होता है, और कहीं ना कहीं उनकी ड्यू क्रेडिट कितनी बार नहीं मिलती, वो उन्हें जरूर दीजिएगा, आपको दिल से दुआ मिलेगी। मैं आपको आज मेरे दिल से जो ये म्यूजिक रूम में निकलेगा वो मैं बोल रहा हूँ, और बड़े अलग अलग फ्रेजेस यहाँ से निकलते हैं, और जो एक एक इशारे म्यूजिक सिटिंग में जब वो कंपोज हो रहा होता है तो वो जो एनर्जी बनती है, जैसे अभी धिम तड़क धब धिबम पड़क धब धिम जावेद अख्तर जी ने बहुत बहुत खूबसूरत लिखा, एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरेबल गाना, और मेरी जिंदगी में वैसे भी लिरिक राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं रहे, जावेद साहब ने नमस्ते लंदन की समीर जी के साथ बहुत ज्यादा काम किया, तो आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल टू समीर जी फॉर राइटिंग सच ब्यूटिफुल लिरिक्स फॉर मी। पता नहीं कितनी 70-80% काम उनके साथ किया। सुधाकर जी के साथ मैंने जब गाने शुरुआत की, हमराज, प्यार किया तो डरना क्या, तेरी चुनरिया दिल ले गई, सारे सुपरहिट गाने, अभी बॉडीगार्ड में शब्बीर अहमद जी ने लिखा है, आहिस्ता आहिस्ता इरशाद कामिल जी के साथ किया था, तो बहुत सारे और नए नए लिरिक राइटर्स भी आए हैं, और अब मेरी अपनी म्यूजिक के जरिए मैं कई आर्टिस्टों को आप लोगों के सामने लाऊंगा। बहुत कमाल का टैलेंट है जो बाहर आना चाहिए, तो पहले इन 1.5 साल के गैप में 500 नए गाने बनाए, जो जिसमें से बॉडीगार्ड में मैंने यूज़ किए, दमादम में यूज़ किए, और 250 आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट करके और 750 गाने तैयार किए, म्यूजिक कंपनी तैयार की, इंटरनेशनल एल्बम आ रहा है, फिल्में होंगी,
पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से सामने आया हूँ. इट्स फन एंड इट्स जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. कुछ रीलोडिंग की है, एग्जाम तैयारी कॉन्फिडेंस होता है और उस कॉन्फिडेंस पे स्वागत अब होगा जब आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा. एंड ये आशीर्वाद दीजिएगा. आप लोगों के साथ ऐसे ही बात कर रहा हूँ, अपने परिवार से बात कर रहा हूँ और बात करते वक्त एक बहुत ही सिंपल गाना याद आ रहा है, उनसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है. छोटी छोटी बात तेरी हर मुलाकात गढ़ पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा सा, लम्हा लम्हा तेरा सा. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना. लेवल पे गाने मेरे हिट हुए हैं तो मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूं उसकी वजह से. लेकिन कुछ गाने होते हैं जो दिल में और बस जाते हैं, उनमें से ये गाना है आपकी कशिश. जबकि आशिक बनाया आपने, उससे ज्यादा चला, पॉपुलर हुआ, लेकिन आपकी कशिश एक ऐसा गाना है जो आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूं मदहोश है. क्या कहे तुमसे जाने जा, तुम हुआ होश है, होश है, होश है. आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना जिससे मैं कॉन्सर्ट की शुरुआत करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शुरुआत में ही मजा आ जाए तो धीरे धीरे इस महफिल को जमना चाहिए. एंड बहुत ही मजेदार गाना है, मूड चेंज करते हैं, पूरे मजाक के फन मूड में आते हैं. पहली बार एक फिल्म आ रही है मेरी जो बहुत ही हस्ती खेलती पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी है, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में होती हैं. उसका नाम है दमादम, जो 27 अक्टूबर को दिवाली पर रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड. और जिस तरह गोलमाल, गरम मसाला, फील गुड दिवाली पे कॉमेडीज आती हैं, वैसी ये फिल्म है. एक
आम आदमी की कहानी है, जिस तरह हर घर में एक कोई होता है जो बहुत नैगिंग होता है, जो हर चीज का सवाल पूछता है, हर दो मिनट में पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, मेल चेक करता है फिर भी बोलता है कि आई ट्रस्ट यू। तो ये समीर की एक गर्लफ्रेंड है शिखा, जो हर चीज में उसको पूछती रहती है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और फिर भी बोलती है बाबू आई ट्रस्ट यू। और वो परेशान हो गया, और जब 5 साल के बाद एक मौका मिलता है कि वो 15 दिन की छुट्टी पे जा रही है, तो वो इतना खुश है कि जा रही है। और बाद में वो जब चली जाती है, तो वो जो 15 दिन उसकी जिंदगी में आजादी का नया आंदोलन आता है, वो है दमादम। और जो धमाल होती है, मस्ती होती है, एक हस्ती खेलती रोमांटिक कॉमेडी जो दिवाली पर आ रही है, कॉम्पिटिशन बहुत यूज है, लेकिन दिवाली पर एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी की जगह जरूर होती है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जिस तरह आपका सुरूर में मेरे साथ था, इस बार आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि आप लोगों को कोई माने निराश नहीं होंगे। एक ऐसा ईमानदार प्रोडक्ट जो फिल्म देखने के बाद 6 बजे के शो में बाहर आने के बाद आप कहोगे कि फिल्म बहुत अच्छी है। उसका एक बहुत ही धमाल गाना जो हर जगह बहुत पॉपुलर हो गया है, और उसमें अभी पूर्वी मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो होती तो वो शुरू होके बोलती है No touching, no touching, only seeing, अब मैं उसकी आवाज तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन टंग डारा डंग 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 डारा जरा नजर मिला उमरा हो जान, जरा पास तो आ उमरा हो जान, जरा नजर मिला उमरा हो जान, जरा पास तो आ उमरा हो जान, तुझे देखा तो जागे अरमान। No touching, no touching, only seeing, no kissing, no kissing, only seeing, only seeing. Na 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 na. Oh, power jiya ki sari dharak mita de, meri tanhaiyon ki duniya bina de. Kya tera irada hai tu? ओ जरा नजर मिला उमरा हो जान, जरा पास तो आ उमरा हो जान, तुझे देखा तो जागे अरमान। टंग डंग 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 डंग। ओ तेरे जिस्म की खुशबू में, आंखों की मधुशाला में, कभी आर गया कभी पार गया, कभी आर गया कभी पार गया, कभी आर गया कभी पार गया, कभी आर गया कभी पार गया। मधुशाला में खोया मधुशाला में, मधुशाला में खोया मधुशाला में, खोया मधुशाला में, खोया मधुशाला में, तेरे जिस्म की खुशबू में, कभी आर गया कभी पार गया, कभी आर गया कभी पार गया, कभी आर गया कभी पार गया। मधुशाला में खोया मधुशाला में, मधुशाला में खोया मधुशाला में, खोया मधुशाला में, खोया मधुशाला में, मेरी गली आ जावे माहिया, बस एक बारी आ जावे, हुआ दे लाश ना वे जानिया, बस एक बारी आ जावे, तेरे लिए दिल मेरा ऐसा लुटिया में, तेरे बिना जिया मेरा नहीं ओ लगदा वे, मेरी गली आ जावे माहिया, बस एक बारी आ जावे, हुआ दे लाश ना वे जानिया, बस एक बारी आ जावे, तेरे लिए दिल मेरा ऐसा लुटिया में, तेरे बिना जिया मेरा नहीं ओ लगदा वे, मेरी गली आ जावे माहिया, बस एक बारी आ जावे। और अब मैं आप लोगों के सामने चंद नए कलाकार जिन्होंने धमाका मचा दिया है,
दमादम मस्त कलंदर उस गाने से जो अभी अभी आया है, दमादम का टाइटल सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत लिखा है शब्बीर जी ने, और रूना लाल जी का गाना दमादम मस्त कलंदर बहुत अच्छा था, तो उसी वर्ड पर वापस एक नया गाना बनाना बहुत मुश्किल था जो हिट हो, तो फ्रेज बना और बहुत ही कमाल का आपको म्यूजिक रूम का एहसास आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि कैसे ये गाना बना जो मुझे बेहद ही पसंद है। दमादम का टाइटल सॉन्ग है और उसकी लाइन है, सात समुंदर सारे डूब जाएं तेरे नैनों के अंदर, दमादम मस्त कलंदर, दुनिया ठग लेती है पूंजी, तेरे नैनों ने मेरे नैनों को ठग लिया। तो बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है और इसके सिटिंग रूम का एहसास जब ये जैमिंग सेशन हो रहा था उसका क्या था वो आपको मैं सुनाता हूं। आइए, ये हमारे लिरिक राइटर हैं शब्बीर जी, ये हमारे शब्बो जी हैं काबरी जी, हमारे आलम जी हैं, हमारे पुन्नू साहब हैं, ये हमारी पलक जी हैं, और रुबीना जी और सबीना जी, इन सब ने मिलकर ये गाने को बहुत ही शानदार बनाया है और एक एक कलाकार की अब इंडिविजुअल आवाज आप लोग सुनने वाले हैं। ओ ओ, ओ सात समुंदर तारे डूब जाए तेरे नैनों के अंदर, ओ सात समुंदर सारे डूब जाए तेरे नैनों के अंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर, दमादम मस्त 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 कलंदर, सात समुंदर सारे डूब जाए, सात समुंदर सारे डूब जाए तेरे नैनों के अंदर, ये आपको बहुत ही ठेठ अंदाज में, आपके पास जो ऑडियो सीडी में गाना है वो बहुत ही टेक्नो वर्जन है उसका, लेकिन जो ठेठ पने में बात है देसी घी वाला मजा वो अभी लेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4 का फ्रेज क्या है, इनका बहुत ही कमाल ली लाइन, क्यों जलाए हो इश्क उल्फत लहरिया में, बौखलाए हो मेरे हुस्न के दरिया में, कोयले की खान में सोना है जल के हमें कुंदन होना है, दिल ठोक बजा के लेना है तेरा 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 तेरा, 1, 2, 3, 4 समादम मस्त 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 कलंदर, समादम मस्त 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 कलंदर, समादम मस्त 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 कलंदर। इसमें मेरा जो चहिता शिष्य है विनीत वो यहाँ आया नहीं है, ऑलवेज लेट लाइक, अब मैं डांटूंगा उसको और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतनी अच्छी मौका था वो आया नहीं, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ उसे और उसका बहुत ही खूबसूरत फ्रेज था विनीत का, बाण मारे नैना थारे, आग उगले नैना थारे, कत्ल कर दे नैना थारे, झुका कर पलके झुका कर, 1, 2, 3, 4
यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस तरह से गाने इस म्यूजिक रूम में बनते हैं, जैमिंग से, इंटरेक्शन से, दिल से, और फिर आप लोगों के सामने रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा हिमेश जी, आपने अभी माहौल तो इतना इंटरेस्टिंग कर दिया है, हम चाहते आपके इतने सारे हार्डकोर डाई हार्ड फैंस हैं जिन्होंने ट्विटर पे तो बहुत सारे अभी मैसेजेस आ ही रहे हैं, सबके मैसेजेस अभी पढ़ने को टाइम नहीं क्योंकि आपने इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं, मगर हमारे साथ यहाँ पे चार पांच फैंस हैं जो एक कॉन्टेस्ट में पार्ट ले चुके हैं जो artistallowed.com, hangama.com और bollywoodhangama.com पे थी, और वो यहाँ पे आज इस नोकिया स्मार्ट नाइट वेबसाइट पर आए हैं, तो वो आपसे आके मिलना चाहेंगे। जरूर, क्या हम उन्हें बुला रहे हैं? आइए आइए, जल्दी से आ जाइए। और जब तक वो आए तब तक आपको बता दूं, आए वसंत जो यहां पे सूरत से आए हैं वो बहुत आपके बड़े फैन हैं, और हिमेश जी फैन फॉर एवर जो यूके में रहते हैं ट्विटर पे, उन्होंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है और आपके बहुत ही बड़े फैन हैं। यह अभी कम सम फैंस फ्रॉम फेसबुक, आइए आइए जल्दी से आइए, जल्दी फटाफट फटाफट। बहुत सारे, अच्छा एक सर इनके साथ एक फोटो हो जाए, यानी फेसबुक, माय प्लेजर, फेसबुक और ट्विटर पे परमानेंटली चले जाए। फोटो अभी इनके साथ हो रहा है लेकिन आप लोगों के साथ भी लेने का मौका आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनके पास थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट, थैंक यू हिमेश जी। और भी बहुत सारे आपके फैंस हैं जो ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, क्विकली उनका नाम ले लेता हूं यानी आपको मालूम हो जाए कि हिमेश जी आपके मैसेजेस बाद में पढ़ेंगे। आई एम बीइंग अंडरस्कोर एचआर, आई एम अज्यूमिंग हिमेश जी में आके आप बहुत बड़े फैन हैं। एट युवराज एस, रूपेश 15, मिहिर उपाध्याय, गर्ग, नीरू और बहुत सारे फैंस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस एट द दमादम वेबसाइट विद द इनक्रेडिबल हिमेश रेशमिया। सर अगला सॉन्ग कौन सा हो रहा है? अगला सॉन्ग मुझे लग रहा है, वक्त कितना है अभी? वक्त तो बहुत है मगर आज के लिए सिर्फ अराउंड 5-10 मिनट है। तो ओहो, 10 मिनट है। हाँ। तो फिर मुझे लग रहा है कि एक ऐसा गाना जो इस मौके पर बहुत सही रहेगा, उसके बाद होगा झलक दिखला जा का अनप्लग्ड वर्जन, और फिर आओ जी बाओ जी, उससे हम अपना कॉन्सर्ट एंड करेंगे। तो पहले दे दे दिल, इस म्यूजिक रूम में, इस वेबसाइट में है कसम है मेरी आशिकी में तेरी, जा जा जाएगी जा 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 मेरी। दे दे दिल चाइना टाउन में है कसम है मेरी आशिकी में तेरी, जा जा जाएगी जा मेरी आशिकी में तेरी, जा जाएगी जा मेरी आशिकी में तेरी, जा जाएगी जा मेरी आशिकी में तेरी, जा जाएगी जा मेरी। मैं उतरा आज इश्क दे अखाड़े, बजा दे देसी बीच डोलिया, तेरे नैना मारे गोलियां, झलक दिखला जा एक बार, एक बार, एक बार आ जा 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 जा। ये जब गाना बन रहा था तो रिदम बनने से पहले जो मूड था वो सुनाता हूं। नो आ
ta 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 ta. जैसे हमारे कई म्यूजिशियंस जैसे जयेश गांधी और बहुत सारे और म्यूजिशियंस जिनका शायद मैं नाम अभी लेते जाते हूँ, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन उन्होंने मेरे साथ काम किया है, सुरेश लालवानी जी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणी कलाकार जो हमारी टीम में यहाँ पर अभी इस कॉन्सर्ट में नहीं आ सके, बट दे हैव बीन टीम मेंबर्स एंड वी रियली लव यू एंड मिस यू. टा 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 टा. ओ करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है तेरी मुलाकातें. इस गाने का अंतरा पहले बना था, उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कि इसका क्या क्या मुखड़ा बना जाए. करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है तेरी मुलाकातें. तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है, तेरे एहसासों में डूबी हर धड़कन है. झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार एक बार एक बार एक बार आ जा 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 जा. तो आ जाते हैं जब ये गाना आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, सच्चाई यही है. तो बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले इससे, तो कोई भूत नहीं आते. फिर से मैं कह रहा हूं, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा 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 जा. हो तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है, तेरे एहसासों में डूबी हर धड़कन है. चाहत की गहराई क्यों तू ना पहचाने, मेरी बेताबी का आलम तू ना जाने. झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा. और आज वक्त है कम और जाने का वक्त आ गया है, तो उससे पहले रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस डेडिकेटेड अगेन टू सलमान भाई, बॉडीगार्ड. टा 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 टा. तो ये बैंड ऑफ पावर में बहुत सारे, सबसे पहले मुझ पर एक एहसान करो जो सलमान भाई ने खुद वो डायलॉग बोला जो इस गाने की पॉपुलैरिटी की जड़ है. एंड बैंड ऑफ पावर में इन लोगों ने साथ दिया. अगेन विनीत साहब हमारे गायब हैं और ये हमारे आर्या साहब, पावनी डॉली एंड देयर वाज एन आइडा हु इज नॉट हियर राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स राजदीप हु इज अ वेरी गुड सिंगर, अगेन वेरी टैलेंटेड. एंड सो जाते जाते, लव यू ऑल, शब्बा खैर, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आपके घर में बहुत बरकत आए. जय माता दी, जय हिंदुस्तान. ये कमाल का साउंड ये निकालता था. हम लोगों ने जो इम्प्रोवाइज, सलमान भाई ने मुझे कहा कि भाई कोई ऐसा साउंड होना चाहिए जो जैसे ब्लैक्स जिस तरह से निकालते हैं, तो वो आर्या साहब वैसे भी बहुत ही कमाल के रैपर हैं. और कैसे निकाला था आपने? बॉडीगार्ड. देखिए ये है वो बॉडीगार्ड जो इतना फेमस हुआ है. सो 1 2 3 4 Come on! अब तुम्हारा इंतजार.
सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जब अनप्लग्ड होता है, जब एक म्यूजिक रूम में जो माहौल बनता है, सब जोश में गाते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक ट्रैक पे रिकॉर्डिंग होती है और उसका साउंड बनाया जाता है। तो उस पर मत जाइएगा, इस गाने के इमोशन पर जाइएगा, जिस तरह से जा रहे थे। 1 2 3 There you are. तो विदा लेने का समय आ चुका है, लेकिन दोबारा आप लोगों से मुलाकात तो होती ही रहेगी। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, न होगा। और फिर से एक बार उस म्यूजिक रूम के नाम जहां पर ये सारे गाने बने, उन सब लोगों का जिनका मेरी करियर में योगदान है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आई लव यू ऑल। एंड बस दुआ देते रहिएगा, बहुत नए नए अच्छे अच्छे गाने आप लोगों के सामने लाना है। अभी बन चुके के सामने आने बाकी हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। एंड 1 2 3 4 सबका एक भाई जान आ गया है, देखो बॉडी गार्ड। लव यू विदा में आया बाप, ये तो है जी सबका बाप, आ गया है देखो बॉडी गार्ड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। Thank you very much for being here with us on the Nokia Smart Nights Bedshirt. My name is Dee Joshi. You've just seen Himesh Nish in the Artisanal.com Bedshirt, on Artisanal.com, on Facebook, on YouTube. This is where all the fun happens. We will see you again next month on the Nokia Smart Nights Bedshirt, powered by Artisanal.com. Take care. Have a nice day.